नमस्कार दोस्तों, विवेक में आपका स्वागत है। मेरा नाम विवेक कुमार। मेरे पास है यहाँ पर सैमसंग के दो डिवाइस है। यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M15 5G, दूसरा है सैमसंग गैलेक्सी F15 5G। आज हम करने वाले हैं यहाँ पर दोनों फ़ोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, देखेंगे कौन सा फ़ोन फास्ट परफॉर्मेंस दिखाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों फ़ोन के हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर क्या गए दोनों फ़ोन के अबाउट फोन सेक्शन में, दोनों फ़ोन में आपको UI 6 के साथ Android 14 देखने के लिए मिल जाता है। प्रोसेसर की अगर हम बात करें, यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में सेम आपको MediaTek का Dimensity 6100+ ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया हुआ है, जो कि 6 नैनोमीटर पर रन करता है। यहाँ पर दो कोर हैं, 2.2 GHz Cortex-M76 की और 6 कोर हैं 2 GHz Cortex-A55 की। माली G57 M2 आपको मिल जाता है यहाँ पर GPU। तो हार्डवेयर में कोई डिफरेंस नहीं है, UI और OS में भी कोई डिफरेंस नहीं है। देखते हैं स्पीड में क्या डिफरेंस आपको दोनों ही डिवाइस में देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, स्पीड टेस्ट के लिए हमने यहाँ पर डाउनलोड रखे हैं दोनों फ़ोन में कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। हम इनको प्ले करेंगे और देखेंगे कौन सा फ़ोन फास्ट परफॉर्मेंस दिखाता है। उससे पहले आपको दिखा दूँ दोनों फ़ोन की रैम, जो कि क्लियर है। दोनों फ़ोन के बैकग्राउंड पर एक भी एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपना स्पीड टेस्ट फर्स्ट एप्लीकेशन के साथ में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर लॉन्च करे थे दोनों फ़ोन में कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। बात अगर स्पीड की करें, तो नो डाउट कोई डिफरेंस यहाँ पर दोनों फ़ोन की स्पीड में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं रैम मैनेजमेंट, वहाँ पर क्या डिफरेंस आपको दोनों ही डिवाइस में देखने के लिए मिलता है। तो स्पीड के साथ साथ रैम मैनेजमेंट में भी यहाँ पर कोई डिफरेंस दोनों ही डिवाइस में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आज की स्पीड टेस्ट था यहाँ पर ड्रॉ सैमसंग गैलेक्सी M15 और F15 5G के बीच में। तो ये था हमारा स्पीड टेस्ट कंपैरिजन सैमसंग गैलेक्सी M15 5G और F15 5G के बीच। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।